हेलो एवरीवन, न्यूयॉर्क ने अपनी साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को नतीजे पे पहुंचाया है। अब इसमें उन्होंने मॉडर्न गवर्नमेंट नेटवर्क्स को बढ़ाने के जो प्लान्स हैं उनके, उनको भी इंक्लूड किया है, और इसी के साथ डिजिटल डिफेंस भी प्रोवाइड करना और क्रिटिकल इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का उद्देश्य लेकर चलने की बात करी है। डिवीजन ऑफ होमलैंड सिक्योरिटी और एमरजेंसी सर्विस ने यहाँ पे 57 साइबर इंसिडेंट्स को देखा है पिछले साल, राइट? क्योंकि यहाँ पे 2022 में इन सब इंसिडेंट्स के देखते हुए, उनको मद्देनज़र रखते हुए ये साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी को लेकर के आए हैं। अब इसमें वो सारे इंसिडेंट हैं, म्यूनिसिपल सिस्टम वाले, स्कूल अटैक वाला, हेल्थ केयर सिस्टम पर अटैक वाला, ये सारे इंसिडेंट इसमें इंक्लूड हैं। अब ये तो बात हुई मुद्दे की कि मुद्दा क्या चल रहा है। की पॉइंट ये है कि स्ट्रेटजी आखिर इन्होंने बनाई क्या है, क्या स्ट्रेटजी है। तो स्ट्रेटजी 5 एरिया में फोकस कर रही है यहाँ पे, ठीक है। पहला तो इनका ये है कि स्टेट को अपग्रेड करना ताकि वो मॉडर्न सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी को सपोर्ट करे, जैसे कि मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन। फिर ये प्लान इसीलिए भी बनाया गया है ताकि काउंटी गवर्नमेंट यानी कि स्टेट गवर्नमेंट और फेडरल एजेंसी साथ में काम कर सके साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन पे, और अपने आपस में वो इन्फॉर्मेशन शेयर कर सके। इसी के साथ स्टेट का ये भी प्लान है कि वो साइबर सिक्योरिटी वर्कफोर्स को डेवलप करे और न्यूयॉर्क रेसिडेंट को इसके बारे में अवेयर करे। क्या मतलब है यहाँ पे इसकी, ये सेकंड पॉइंट है। सेकंड पॉइंट इनका ये है कि ये प्लान को आगे बढ़ाएंगे, वर्कफोर्स में लेकर के आएंगे, डेवलप करेंगे इस वर्कफोर्स को। लेकिन न्यूयॉर्क रेसिडेंट भी उतने ही इम्पॉर्टेंट है, उनको भी साइबर क्राइम की प्रॉपर अवेयरनेस होगी और उनको भी बताएंगे, उनको अंदर भी यहाँ पे उनको एजुकेट करेंगे इन सब चीज़ों के बारे में। तो और क्या होगा, इन्हेंस होंगी चीज़ें, इन्हेंस होगी, साइबर क्राइम कंट्रोल होगा इससे, है ना। अब की टू द स्ट्रेटजी इज कि कैसे एग्जिस्टिंग एजेंसी आगे रेगुलेट करेगी साइबर डिफेंस की, उसके नीड को कैसे फुलफिल करेगी, ठीक है, उसकी नीड को फुलफिल करने के लिए कैसे रेगुलेट करेगी। काफ़ी सारी अमेरिकन स्टेट ने साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी बनाई है। अब इसमें अगर हम एडिशनल इन्फॉर्मेशन की बात करें तो 2024 फिस्कल ईयर में $35.2 मिलियन साइबर सिक्योरिटी के लिए रखे गए हैं, जो कि 57% तक इंक्रीज़ किए गए हैं। यानी कि जो फिस्कल ईयर में जो बजट है उनका, उनमें उन्होंने $35.2 मिलियन तक साइबर सिक्योरिटी के लिए रखा है। अब यहाँ पे कनेक्टिविटी, यस, तीसरा पॉइंट ये है कि ये कनेक्टिविटी बढ़ाएंगे म्यूनिसिपल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के बीच में। क्योंकि यहाँ पे हैकर्स क्या करते हैं, हैकर्स जो है उनको सिस्टम का एक्सेस मिल जाता है और उससे वो क्या करते हैं, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को लीक कर देते हैं, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन को रिलीज़ कर देते हैं, जो कि अपने, जो कि किसी भी कंट्री के लिए, ठीक है, अपनी कंट्री हो या बाहर जो भी फॉरेन कंट्रीज है, हर एक कंट्री के लिए ये चिंता का विषय है। अब देखा जाए तो फेडरल लेवल और स्टेट लेवल की साइबर सिक्योरिटी कुछ लेवल पे सेम है और कुछ पे डिफर करती है। ये साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी अपन किसकी देख रहे हैं, न्यूयॉर्क स्टेट की देख रहे हैं, ठीक है, जो कि उन्होंने पहली बार स्ट्रेटजी रिलीज़ करी है अपनी। अब स्टेट की अपनी यूनिक कैपेबिलिटीज़ हैं, रिसोर्सेज हैं, रिक्वायरमेंट्स हैं, तो उनके अकॉर्डिंग भी उन्होंने अपनी स्ट्रेटजीज़ को बनाया है। अब उनमें से एक बहुत सारी, एक क्या है, जैसे यानी कि उनमें से एक स्ट्रेटजी क्या है, एक स्ट्रेटजी है उनकी यूनिक रेगुलेटरी बॉडीज़ का होना, ठीक है। स्ट्रेटजी में और भी चीज़ें इंक्लूड है, जैसे कि स्टेट साइबर वर्कफोर्स को एक्सपेंड करना, ऑफिस लोकेशंस को पूरी स्टेट में रखना, टेलीकम्यूटिंग को अलाउ करना कुछ केसेस में जिसमें ज़रूरत है, ऑलराइट। इसके अलावा लास्ट चीज़ क्या है, लास्ट चीज़ है NYSIC। NYSIC न्यूयॉर्क सिक्योरिटी एजेंसी है, मल्टी एजेंसी है, ठीक है, जो कि अलग अलग लेवल पे वर्क करती है, स्टेट लेवल, फेडरल लेवल पे वर्क करती है, ट्राइबल लेवल पे वर्क करती है, लोकल लेवल पे वर्क करती है, और JSOC, ठीक है, जॉइंट सिक्योरिटी है, एक जॉइंट प्रोजेक्ट के ऊपर ये काम करती है, और इन दो, ये दोनों मिल करके जो है आपस में इंफॉर्मेशन शेयर करेंगे ताकि जो इम्प्रूवमेंट है दिखे, है ना, डेवलपमेंट दिखे। और ये बनाया गया है इन साइबर थ्रेट रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए। जो ये चीज़ मैं आपको बता रही हूँ ना, ये दो एजेंसी, एक तो NYSIC मल्टी एजेंसी और एक JSOC, एक जॉइंट प्रोजेक्ट है जो ये दोनों बनाए गए हैं साइबर थ्रेट रिलेटेड इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए।
ठीक है। अब यहाँ पे बात क्या है, सवाल ये है आपके लिए कि क्या इंडिया को भी साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी को अपडेट करने की ज़रूरत है, और हमें इनमें से किन चीज़ों को फॉलो करना चाहिए, क्या चीज़ें या क्या स्ट्रेटजी ऐसी है जो कि भारत को भी यहाँ पे फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। और क्या है, इंडिया में कौन सी साइबर सिक्योरिटी स्ट्रेटजी चलती है, आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में बताइए, ओके। आप एक एक्टिव सिटीजन है, अपने आसपास के लोगों को भी एक्टिव करें इस वीडियो को शेयर करके।